हाँ ठीक है, तो हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स देख चुके हैं, है ना। अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं इस सेक्शन में? सबसे पहले हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, है ना। अब हम पहचानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानते कैसे, अब हम ये देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। नेक्स्ट हेडिंग ये है हमारी, ठीक है। तो जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिखी थी, तो उसमें हमने ये लिखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस, और रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद हो जाते हैं ऑक्सीडाइज, ठीक है। कुछ हमने इनके एग्जांपल्स भी देखे थे, है ना। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि ये देख के हमको कैसे समझ में आएगा, जैसे कोई कंपाउंड हमारे सामने लिखा हुआ है, तो देख के कैसे समझ में आएगा कि वो ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा, है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन उठता, तो इसका आंसर ये है कि ये हमको समझ में आता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो हम इसमें करते क्या है, हमें पहली स्टेप क्या करना है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम होज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग इन द रिएक्शन, है ना। तो देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि अब उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, या उस एटम के ऑक्सीडेशन नंबर पे फोकस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको या तो इसको ऐसे लिख लो कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, है ना, ये लैंग्वेज ज्यादा सही है। देखो फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स एंड फोकस ऑन द ऑक्सीडेशन एंड फोकस ऑन द एटम, ये लैंग्वेज लिखो, ये ज्यादा ज्यादा क्लियर लैंग्वेज है। कैसे मैं समझाता हूँ, देखो आप सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो, है ना, और फिर उस एटम पे फोकस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम कोई रिएक्शन लिखे, है ना, ये देखो अगले पेज पे देखते हैं। जैसे हम मान लो Na की बात करें, Na है ना, सोडियम एक एल्कली मेटल है, तो ये सोडियम जो है वो हमेशा कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में जाता है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बढ़ता है किसी रिएक्शन में, है ना, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टेबल में हमने लिखा है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना। तो इसका मतलब सोडियम क्या हो जाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम क्योंकि एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, कौन सा, प्लस वन, है ना, तो सोडियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो चलो ये तो एक रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल हो गया ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से, है ना। अब हम एक वैसा एग्जांपल ले लेते हैं,
इसको चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो रहने भी दे सकते हो। ये थोड़ा सिंपल एग्जांपल था इसलिए मैंने समझा दिया इसको, है ना। अब आप कोई ऐसा एटम पकड़ो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है ना, जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। जैसे ध्यान देना यहाँ पे, जैसे हम नाइट्रोजन एटम की बात करें, नाइट्रोजन एटम, तो कल हम जब रूल्स लिख रहे थे तो वहां पर हमने पी ब्लॉक एटम के रूल्स लिखे थे, चाहो तो कॉपी पलट के देख भी सकते हो। वहां पे हमने लिखा था कि जो नाइट्रोजन एटम है वो क्योंकि 15th ग्रुप में आता है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -3 से +5, है ना। इसका मतलब नाइट्रोजन एटम एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, ठीक है। अब इसके कंपाउंड्स भी हमने लिखे थे नोट्स में ही, जैसे NH3, NO, N2O3, है ना, ये सब लिखे हुए हैं तुम्हारे नोट्स में, चाहो तो कॉपी पलट के देख भी सकते हो। NO2, N2O5, राइट। और इनके हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स भी लिखे थे, -3, +2, +3, +4, +5, है ना। तो देखो, हमको उस टाइम पे हमने ये बात डिस्कस भी की थी कि इन सारे कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, है ना, और किस रेंज में वेरी कर रहे हैं, इस रेंज में, ठीक है। तो देखो, अब इससे हमको ये पता चलता है कि जैसे हम ये वाला एक एंड पकड़ ले हम, है ना, एक एंड का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5, ये हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, ध्यान से देखना, और -3 ये लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है ना। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इस बीच में वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर हम कोई नीचे वाला कंपाउंड पकड़ लेते हैं नाइट्रोजन का, जिस नीचे वाले कंपाउंड का मतलब क्या है, जिसकी जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो, -3, तो -3 किसमें, जैसे अमोनिया में है ना। तो अब ध्यान से देखना कि मान लो हमने कोई रिएक्शन लिखी अमोनिया, अमोनिया मान लो वाटर से रिएक्ट कर रहा है ना, एक ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, तो इससे ये मान लो NO और OH- बना रहा है, ठीक है, इस तरह की कोई रिएक्शन हो रही है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, -3 अमोनिया में, है ना, यहाँ पर कितना है नाइट्रोजन का, +2, ठीक है। तो देखो, अब मुद्दे की बात क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन अपने लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर में है ना, सबसे नीचे वाली वैल्यू पर है। तो अगर इस नाइट्रोजन एटम को अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करना है तो ये बात तो क्लियर है कि वैल्यू इसकी बढ़ ही सकती है ना, केवल ऊपर जाने का ही ऑप्शन है, नीचे जाने का ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं, है ना। तो जब ये रिएक्शन हुई, नाइट्रोजन -3 से +2 में गया, है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया है ना, +2 वैल्यू ज्यादा है -3 से, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब NH3 का क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन, मतलब NH3 क्या हो जाएगा अपने लिए इस रिएक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। तो देखो, अब दूसरा केस लेते हैं, है ना, जैसे अब कोई ऐसा, ये तो हमने लोअर एंड लोअर वाला एक्सट्रीम पकड़ लिया था, अब अपर वाला एक्सट्रीम पकड़ लो, है ना, अपर बाउंड्री। अपर बाउंड्री में क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, तो एक ऐसा कंपाउंड लो जो +5 ऑक्सीडेशन नंबर वाला हो, N2O5, ठीक है। तो अब हम N2O5 की रिएक्शन पर फोकस करते हैं, है ना। तो N2O5 मान लो किसी रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है ना, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन अपन मान लेते हैं, जैसे वो, जैसे मान लो कि वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है ना, हाइड्रोजन से N2O5 रिएक्ट कर रहा है और उससे वो बना रहा है NO2 और H2O, है ना। अगेन एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान ली हमने,
ना, हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत। तो देखो अब यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे, N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +5, है ना। NO2 में कितना आएगा? +4, ठीक है। तो अब यहां पर देखो जो क्या बोलते हैं इसे, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, एक सेकेंड, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हाईएस्ट वैल्यू से फिर लोएस्ट वैल्यू में आ रहा है ना, हाईएस्ट वैल्यू से। अब अगेन यहाँ पे वही बात है कि नाइट्रोजन क्योंकि अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर में है ना, अगर इस नाइट्रोजन एटम को अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करना है तो एक ही संभावना क्या है कि वो वैल्यू कम हो जाए, नीचे आ जाए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये, अब ये वाली प्रोसेस क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, तो हम कहेंगे कि N2O5 का रिडक्शन हुआ है या फिर N2O5 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो देखो इन दोनों रिएक्शंस का मैं जो हमने डिस्कस किया उसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ध्यान से सुनना कि किसी रिएक्शन में अगर कोई एटम, पहली बात तो वो बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स शो करता हो, है ना, ये पहली कंडीशन है। अगर वो बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स शो कर सकता है तो फिर अगर वो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा, है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, ठीक है। और इसका उल्टा, अगर वो एटम जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, अगर वो एटम अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर में है हाँ सॉरी थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, तो मैं अपनी लाइन रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई एटम अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर में है ना, तो उसके पास क्योंकि एक ही ऑप्शन रहेगा नीचे आने का, तो फिर वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई स्पीशीज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना। अब हम तीसरी कैटेगरी और देख लेते हैं कि तब क्या होगा अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमने कोई बीच वाली ली है ना, कोई बीच वाला ले लो, जैसे जैसे हम ले लेते हैं कौन सा, NO2- ले लो, N2O3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखना, जैसे हमने लिया है N2O3, तो N2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3, ठीक है। तो अब +3 जो वैल्यू है वो -5 और -3 के बीच में आ रही है ना। तो अब इस तरह का जो रिएजेंट होता है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बीच में आ रहा, उसके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, है ना, वो ऊपर भी जा सकता है क्योंकि ऊपर भी वैल्यूज अवेलेबल है, और नीचे भी आ सकता है, नीचे भी वैल्यूज अवेलेबल है। तो अब ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा बिहेवियर शो करेगा, है ना। तो जैसे ये अगर किसी, ऐसा हो सकता है कि ये किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करके अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, N2O5 प्लस कोई दूसरा प्रोडक्ट बन रहा होगा, है ना, ध्यान से समझना ये बात, यहीं पे समझ में आ जाएगी। और फिर दूसरी संभावना क्या है कि यही सेम रिएक्टेंट N2O3, इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं, यही सेम रिएक्टेंट N2O3 किसी दूसरे टाइप के रिएक्टेंट से रिएक्ट करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हो जिसमें वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा हो। तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जैसे मान लो NO, तो NO प्लस कोई चौथा प्रोडक्ट डी टाइप का वो बना रहा होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या जाएगा, +3 और +2, है ना। तो अब ध्यान देना, हम सेम स्पीशीज की बात कर रहे हैं, N2O3 इस रिएक्शन में और N2O3 इस रिएक्शन में,
है ना, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, है ना, ये देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया प्लस थ्री से प्लस फाइव, तो ये प्रोसेस हो गई ऑक्सीडेशन। मतलब यहां पर N2O3 एक किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, है ना। और ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब इसी के विपरीत अगर हम देखें तो यहां पर वैल्यू जा रही है प्लस थ्री से प्लस टू, मतलब वैल्यू कम हो रही है, मतलब ये प्रोसेस क्या हो रही है, रिडक्शन। तो N2O3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो ये जो हमने ऑब्जर्वेशंस देखे इनसे हम क्या कंक्लूजन्स निकालते हैं, कंक्लूजन ये है कि कोई स्पीशीज या कोई भी सब्सटेंस वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करता है, है ना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, अगर मैक्सिमम है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, अगर बीच में वैल्यू है तो वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वो दूसरे रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि दूसरा रिएक्टेंट किस टाइप का है। अगर दूसरा रिएक्टेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगेगा, और अगर दूसरा रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब ये चीज सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई, जो एक्सप्लेनेशन हमने देखा इस पेज पे, इसको देख लो आराम से, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो अब हम अपना चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो हमारा मुद्दा ये था जिसपे हम डिस्कशन कर रहे थे कि हम किसी सब्सटेंस को कैसे पहचाने कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो वही बात है कि पहले आप सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो और फिर उस एटम पे अपना ध्यान केंद्रित करो, फोकस करो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है रिएक्शन में। जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम NH3 की बात करें, है ना, तो NH3 में नाइट्रोजन एक ऐसा एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन के दौरान चेंज हो गया। यहाँ पर माइनस थ्री है, यहाँ पर प्लस टू है। बाकी जितने भी एटम्स हैं जब उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो सेम आएगा, है ना। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस वन आएगा सारे सारे स्पीशीज में इस रिएक्शन के, और जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस टू आएगा सारे स्पीशीज में, ठीक है। तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा फिर उनके ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग नेचर की बात ही नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज तो होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमको अब ये बात समझ में आ गई कि आप सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो और फिर उस पर फोकस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हमको ये पता चल गया इस स्टेप के बाद कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखो तीन संभावनाएं हैं, एक एक करके तीनों संभावनाएं लिख लेते हैं, है ना। तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है, जैसा कि यहां पर हो रहा था N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम था, तो उस केस में N2O5 कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो जो हमारा सब्सटेंस है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है वो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। फिर दूसरी स्थिति क्या होती है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है जैसा NH3 में हो रहा था तो वो होगा एक रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो हमारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और तीसरी कैटेगरी क्या है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर कहीं बीच में है, है ना, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, है ना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कहीं बीच में आ रही है तो फिर वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, है ना। तो इट कैन एक्ट
बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन. ठीक है, तो बेसिकली ये चार्ट है जो हमको ध्यान में रखना है. तो ये चार्ट लिख लेना और इसमें ये एग्जांपल्स लिख लेना, है ना. यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली अपन लिख लेते हैं. आप एक बार देख लो पहले, यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर देना कि यहाँ पर नाइट्रोजन किस में है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है. यहाँ पर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना. यहाँ पर इन बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, मतलब बीच का ऑक्सीडेशन नंबर, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इन बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना. तो इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है और फिर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है. ठीक है, तो ये दोनों पेज नोट कर लो और इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ध्यान से देख लो. सारा खेल ऑक्सीडेशन नंबर का है पहचानने में. नोट कर लिया क्या? ठीक है, तो फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं, है ना. अगला टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन. तो रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं, है ना. तो चलो, अब हमको पिछले टॉपिक में ये समझ में आ गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे पहचानेंगे. ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग, जब हमको एजेंट पहचानना आ गया तो अब नेक्स्ट बात ये होती है कि वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों टाइप के एजेंट्स हों, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो एक साथ, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना. तो रेडॉक्स रिएक्शन की पहले डेफिनेशन लिख लो. रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. ये रिएक्शन की स्पेलिंग लिख लेना सही से. रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना. नाम से भी समझ में आ जाता है ये, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगी, है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. तो देखो इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं. जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट, ये कमीनो 4 के साथ रिएक्ट कर रहा है. H2SO4, ये तीन रिएक्टेंट जब रिएक्ट करे तो ये तीन प्रोडक्ट जनरेट हो गए, Fe2SO43 प्लस MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O. ठीक है, तो देखो अब यहां पर हमें ये चेक करना है कि रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, है ना. तो उसके लिए तुम लोग एक काम करो, सबसे पहले जितने भी एटम सामने दिख रहे हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, है ना. जैसे एक का मैं लिख के बता देता हूं, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर, उसके लिए मेरे को सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर पता है. सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2-, है ना. तो सल्फेट पे 2- चार्ज होगा, मतलब आयरन पे कितना होगा, 2+.
तो ये आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ऐसे ही सल्फर का, तो सल्फर का यहां से निकाल लो सल्फेट में से, है ना, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो चार ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो जाएगा, चार ऑक्सीजन पे -8 चार्ज हो जाएगा टोटल, है ना, और टोटल चार्ज होना चाहिए 2-, तो सल्फेट में मतलब कितना होना चाहिए बचा हुआ +6। अब एक ही सल्फेट है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +6 हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सल्फर का हो जाएगा +6 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, है ना। तो इस तरह से एक एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर उनके नीचे सभी लोग लिख दें पूरी रिएक्शन में, है ना, वाटर तक। तो सब लोग लिख दो, मैं एक मिनट का टाइम देता हूँ, फिर अपन एक मिनट बाद जब मैं लिखूंगा तो मैच करना, फिर हम आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप ज़्यादातर लोगों ने लिख लिया होगा, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मुझे लगता है अब लोगों को याद हो गए होंगे। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूँ, मैच कर लेना। पोटेशियम का +1 होता है ऑलवेज, एल्कली मेटल है। मैंगनीज का अपन को पता नहीं है क्योंकि हमने रूल्स में नहीं लिख रखा, तो हम पहले ऑक्सीजन का लिख लेते हैं। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो चार ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो जाएगा, चार ऑक्सीजन पे चार्ज हो जाएगा -8, और एक पोटेशियम पे +1 चार्ज है, तो ये मिलके हो गए -7, तो बचा हुआ +7 किस पे आएगा, मैंगनीज पे। अब एक ही मैंगनीज है ना, तो ये जितना चार्ज मैंगनीज पे आया वो पूरा एक ही मैंगनीज पे चला जाएगा, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7। सिमिलरली हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है जनरली, तो दो हाइड्रोजन का +2, है ना, और यहाँ पर ये सल्फेट है SO4 2-, तो SO4 2- का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर +6 और -2, तो वैल्यू यहाँ पे टेप देते हैं एज इट इज, +6 -2, है ना। P2SO4 3, तो देखो एक सल्फेट पे चार्ज कितना होता है 2-, अब यहाँ पर लगे हुए हैं तीन सल्फेट, तो तीन सल्फेट पे कितना चार्ज जाएगा कुल मिला के, -6, है ना, तीन सल्फेट पे चार्ज हो जाएगा -6, तो फिर दो आयरन पे मिला के कितना चार्ज हो जाएगा +6, है ना, दो आयरन पे मिला के +6 हुआ, मतलब एक एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3। ठीक है, अब यहां पर फिर से सल्फेट है, सल्फेट का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ही चुके हैं +6 -2, है ना। अब मंसोफोर की बात करें तो इसमें भी वही बात है, सल्फेट मैंगनीज का अपन को पता नहीं है, सल्फेट का हमको पता है 2-, तो जब एक सल्फेट का चार्ज 2- होगा तो मैंगनीज का कितना हो जाएगा +2, है ना, और सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, है ना। पोटेशियम का +1 ऑलवेज हमेशा, और फिर से सल्फेट आ गया, सल्फेट में वही +6 -2, है ना। वाटर हाइड्रोजन +1 जनरली और ऑक्सीजन -2 जनरली। ठीक है, तो ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स की वैल्यू मैंने लिख दी है, किसी को किसी भी एटम में डाउट हो तो पूछ लो। मैं 10 सेकेंड का पॉज लेता हूं। ठीक है, तो किसी को कोई एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में डाउट नहीं है तो फिर हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा हमारा ये था कि हमको रेडॉक्स रिएक्शन पहचानना है कि कोई रिएक्शन रेडॉक्स कब होगी या कब नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक लाइन लिखी हुई है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जिस रिएक्शन में एक साथ हो रही हो वो रेडॉक्स है। तो अब इस रिएक्शन में देखो,
उस एटम पे एक एक करके एटम पे फोकस करते हैं, है ना। सीधी सी बात यह है कि अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, रिडक्शन होगा तो भी चेंज होगा, है ना। इसका मतलब पहले तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि ऐसे कौन कौन से एटम्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको दो एटम मिलेंगे रिएक्शन में, मैं डायरेक्ट उनको हाईलाइट कर देता हूँ। एक एटम है आयरन, है ना, और क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर प्लस टू है, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। एक एटम हो जाएगा आयरन, जो यहाँ पर प्लस टू है और यहाँ पर देखो तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर में चला गया, ठीक है। तो ये देखो प्लस टू से प्लस थ्री मतलब वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, है ना। मतलब फीसोफोर क्या हो जाएगा, एक कैसा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। दूसरा एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो क्या है, वो है ये मैंगनीज, है ना। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर प्लस सेवन, यहां पे ध्यान दो प्लस टू में चला गया ये, तो प्लस सेवन से प्लस टू वैल्यू हो गई है कम, मतलब प्रोसेस क्या हुई है, रिडक्शन। तो रिडक्शन हुई है, इसका मतलब कमीनोफोर क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब देखो इस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एक साथ हो गई, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया, है ना। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बाकी एटम्स पे फोकस करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नंबर थ्रू आउट द रिएक्शन चेंज नहीं होगा। सल्फर का सब में प्लस सिक्स होगा, ऑक्सीजन का माइनस टू होगा, पोटेशियम का प्लस वन होगा और हाइड्रोजन का प्लस वन होगा थ्रू आउट द रिएक्शन, ठीक है। तो क्या रेडॉक्स रिएक्शन सबको समझ में आ गया, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। रेडॉक्स रिएक्शन निकालने का ये तरीका होगा, और डाउट नहीं है तो इसको नोट कर लो अच्छे से, इस रिएक्शन को। ठीक है, तो आई होप ये सबने नोट कर लिया है। तो फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब एक एक करके देखना चालू करते हैं। तो पहला है हमारा, पहला क्या है, नॉर्मल रिएक्शंस, है ना, नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है, कि वो रिएक्शन जिसमें, एक पेज स्किप हो गया बीच में, हाँ, वो रिएक्शन जिसमें जिसमें वो मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और दोनों अलग अलग एजेंट्स हो, है ना। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अलग कंपाउंड है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग कंपाउंड है, और फिर वो दोनों जब प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो भी वो अलग कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन को नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, है ना। नॉर्मल का मतलब सीधी सी बात है कि दोनों अपना अपना हिसाब देखेंगे, ये अपना हिसाब अलग देखेगा, ये अपना हिसाब अलग देखेगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब होगा, नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब कि जब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों डिफरेंट कंपाउंड हो, व्हेन रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स
कंपाउंड्स, और दूसरी बात जब वो प्रोडक्ट में जाए तो भी वो अलग अलग कंपाउंड्स में जाए, है ना, एंड विल फॉर्म सेपरेट सेपरेट कंपाउंड्स इन प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो, है ना। तो इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन है, है ना। तो 99% तो आपको नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन ही मिलेगी, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लेना, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो इसका एग्जांपल यही प्रीवियस रिएक्शन जो हमने लिखी है ना यहाँ पे, ये वाली रिएक्शन है ना, यही ये एक नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन थी। तो एग्जांपल में मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ प्रीवियस रिएक्शन, तुम भी चाहो तो शॉर्ट में लिख लो, और जिसको शॉर्ट में लिखने का मन नहीं है वो चाहो तो पूरा रिएक्शन ऊपर से यहाँ टेप देना, है ना। तो आई होप नॉर्मल रिएक्शन सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो नॉर्मल 95% रिएक्शंस तो आपको जो रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे वो नॉर्मल ही मिलेंगे, है ना, लेकिन कभी कभी इनमें वेरिएशन हो जाता है, तो कुछ स्पेशल टाइप के जो रिएक्शंस हैं अब वो हम लिखते हैं नीचे। तो सेकंड है इसी कैटेगरी में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, स्पेलिंग थोड़ी ध्यान से लिख लेना इसकी। ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, पहले तो हम इसका वो लिख लेते हैं, मतलब तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन में तो ऐसा हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एक ही कंपाउंड दोनों का बिहेव कर लेता है ना। जैसे यहाँ पर दो अलग अलग कंपाउंड लिखे हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही कंपाउंड होता है और वो एक ही कंपाउंड दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट जाता है, ठीक है। तो पहले तो इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, कि देखो इसको हम इसी डेफिनेशन को एडिट कर लेते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन हमने ऊपर से नीचे यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखो ये तो नॉर्मल की डेफिनेशन थी, किसी में चेंज कर लेते हैं। व्हेन रेडॉक्स रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट की जगह कर लो सेम, है ना, सेम कंपाउंड्स, व्हेन बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर सेम कंपाउंड्स एंड विल फॉर्म सेपरेट कंपाउंड्स इन प्रोडक्ट्स, है ना, और ये ऑल्सो वर्ड भी काट देना, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ये समझ में आएगा एग्जांपल के तौर पे जैसे H2O2 जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट होता है H2O+O2 में, है ना, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, दो हाइड्रोजन +2, तो दो ऑक्सीजन पे -2, तो एक ऑक्सीजन पे -1, है ना, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये हमको याद भी है ना, हमने लिस्ट में लिख रखा है ये, अगर किसी ने कल नोट्स पढ़े हो तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, है ना, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में हमने लिखा है परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। यहाँ पर अगेन ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो +1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे क्या है ये O2 एलिमेंट, तो एलिमेंट का जो एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या, 0, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का तो चेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है,
ऑक्सीजन पे दिमाग लगाया जाए। जब ऑक्सीजन पे दिमाग लगाओगे तो ये तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर ये एक ही ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर ऑक्सीजन चला गया -2 में और वहीं ऑक्सीजन चला गया 0 में, ठीक है। तो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर -1 से वैल्यू -2 में चली गई, मतलब वैल्यू कम हो गई है, मतलब रिडक्शन हो गया है, ठीक है। और -1 से वैल्यू 0 में चली गई है, मतलब वैल्यू बढ़ गई है, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखो यहां पर एक ही सब्सटेंस का, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मतलब ऐसे समझ लो कि इसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उसका रिडक्शन हो रहा होगा और कुछ मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना। रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है? क्योंकि एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों हो रही है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है ना। अब ये एक स्पेशल टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों एक ही कंपाउंड हो, है ना, सेम कंपाउंड। यहाँ पे ये चाहो तो ये एस भी हटा सकते हो, कंपाउंड नहीं आएगा, बोथ आर सेम कंपाउंड, है ना, एक ही कंपाउंड है तो फिर हम एस नहीं लगाएंगे। तो ठीक है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, इसका इसका वर्ड पकड़ो, डिस्प्रोपोर्शनेशन, है ना। डिस का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये डिस का मतलब होता है तोड़ना, इसका मतलब होता है तोड़ना, है ना। जैसे हम बात बात करते हैं ना, जैसे असेंबल करना, असेंबल करना मतलब हमने कुछ चीजों को जोड़ दिया है, और डिसअसेंबल करना है ना, तो डिसअसेंबल मतलब उन चीजों को हमने तोड़ दिया, ठीक है। तो डिस, जब भी डिस वर्ड का जब भी यूज होता है किसी वर्ड के सामने, तो वो उसको उस चीज को ब्रेक करने में यूज होता है, ठीक है। तो डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन नंबर दो ऑक्सीडेशन नंबर में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और प्रपोर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, रेशियो, है ना। प्रपोर्शन वर्ड का मतलब होता है, एक सेकेंड रुको, प्रपोर्शन वर्ड का मतलब होता है रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, है ना। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है, इसमें -1 जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2:0 इस रेशियो में या इस प्रोपोर्शन में ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। वर्ड समझ में आ गया सबको, डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लो। फिर हम अगले टाइप की रिएक्शन देखते हैं, तीसरे टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होगा, है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम, थर्ड कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है कि, एक सेकेंड, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है, इसको लिख लो सिंपल वर्ड्स में, अपोजिट ऑफ डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा का क्या मतलब है, उल्टा का मतलब उल्टा, है ना, मतलब इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो। एग्जांपल में H2O2+O2 विल गिव, सॉरी H2O+O2 विल गिव H2O2, है ना।
तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा आ जाएगा H2O प्लस O2 विल गिव H2O2, ठीक है। तो उसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर वही हो जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 ऑक्सीजन का, यहाँ पर 0, और ये चला गया -1 में, है ना। तो बस -2 0 -1। तो ये देखो, ये क्या हो रहा है, -2 से -1 वैल्यू बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन वैल्यू कम हो रही है, 0 से -1 रिडक्शन, ठीक है। तो जस्ट इट इज ऑपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, है ना। कम प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, कम कम वर्ड का मतलब क्या है, कम मतलब होता है कंबाइन होना, है ना। कंबाइन कॉम्बिनेशन, कम मतलब होता है कंबाइन होना या जुड़ना, ठीक है। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब वही रेशियो। तो यहां पर वही है कि ये जो रेशियो है -2:0 का जो रेशियो था दो ऑक्सीडेशन नंबर में, अब ये जुड़ के एक ही ऑक्सीडेशन नंबर बन चुका है ना। जो रेशियो है वो कंबाइन हो चुका है और एक ऑक्सीडेशन नंबर बन चुका है, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल लिख लो, ये भी एक टाइप की, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना। तो ये टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस हैं जो हमको मिलेंगी। क्या सबको ये समझ में आ गया? इसको आराम से देख लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, है ना। मैंने बता दिया पूरा, इसमें देखना कैसे है, समझ के कैसे रखना है, और फिर याद कैसे रखना है ना। तो आई होप इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा किसी को। इसमें ध्यान से देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो सभी लोग। 30 सेकंड के लिए मैं रुका हुआ हूँ, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। ठीक है, तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम आते हैं सवालों पे। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रपोर, एक तो ये वर्ड बड़ा बहुत बड़ा है, डिसप्रपोर्शनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन, फिर कम प्रपोर्शनेशन फिर रेडॉक्स और नॉट, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है ना। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखो यहां पर मैं पहले कुछ रिएक्शंस लिखूंगा, है ना। एक सेकेंड, हाँ, तो यहां पर मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगा 1 2 3 4 करके, ठीक है। फिर यहां पर हम बनाएंगे उसके नीचे एक टेबल, है ना। टेबल में हम डालेंगे 4 कॉलम, पहले कॉलम में आएगा रिएक्शन का नंबर जो भी है 1 2 3 4, इसके आगे पहली हेडिंग डालना डिसप्रोपोर्शनेशन, अगली डालना कम प्रोपोर्शनेशन,
अगली डालना रेडॉक्स, ठीक है। तो बस इसमें सॉल्यूशन हम किस फॉर्म में लिखेंगे, पहली रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है, कम प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है, रेडॉक्स है कि नहीं है ना, इस तरह से आपको टिक क्रॉस करना रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं पहले रिएक्शंस लिख रहा हूँ, तो वो पहले पहले सारी रिएक्शंस लिख लेना, जब हम सारी रिएक्शंस लिख लें उसके बाद ये टेबल बनाना है ना। तो अब रिएक्शंस में एक एक करके लिखना चालू करता हूँ, तो तुम लोग भी लिखना चालू करो। S8+OH- गिव्स S2- प्लस S2O3-2- प्लस H2O है ना, ये पहली रिएक्शन हो गई। Cl2 प्लस OH- गिव्स Clo- प्लस Cl- प्लस H2O दूसरी रिएक्शन हो गई। एक सेकेंड यार, मैं अपना मोबाइल साइलेंट पकड़ दूं। हाँ, तीसरी रिएक्शन है Ca3 KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। चौथी रिएक्शन है NH4NO2 गिव्स N2 प्लस H2O। पांचवी रिएक्शन है X2, X नहीं लिखो इसको, लिखो क्लोरीन। तो Cl2 प्लस OH- गिव्स Cl- प्लस ClO3- है ना। फिर इस पेज पे टेबल बना दी, तो मैं अगले पेज पे लिख दे रहा हूँ आगे की रिएक्शन है ना। छठवीं रिएक्शन है CN2 प्लस OH- गिव्स CN- प्लस OCN- OCN- है ना। फिर सेवेंथ है H3PO3 गिव्स PH3 प्लस H3PO4। एट्थ है I- प्लस IO3- प्लस H+ गिव्स I2 प्लस H2O। नाइन्थ है नो प्लस HNO3, HNO3 गिव्स HNO2 है ना। टेंथ है फी प्लस फुसोफोर गिव्स फिसोफोर फेरस सल्फेट प्लस कू कॉपर। और लास्ट है AlCl3 प्लस H2SO4 गिव्स Al2SO4 3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। तो ये 11
11 रिएक्शंस आपके सामने लिखी हुई है, तो इसको इसके बाद ये टेबल बना लेना, और टेबल में मैंने बताई दिया ऐसे टिक क्रॉस वगैरह आपको करना है, है ना। तो स्टार्ट कर दो, 5 मिनट का टाइम है, सारी रिएक्शंस लिख लेना, कोई रिएक्शन ना लिखी हो तो उसको बता देना, तो मैं वो पेज ओपन कर दूंगा। और किसी का गलती से बहुत जल्दी हो जाए और वो आंसर देना चाहे तो इस फॉर्मेट में आंसर दे सकता है, चैट में आंसर लिख देना प्राइवेटली। जैसे पहले का अगर तुम्हें आंसर देना है यस यस नो, तो पहले का लिख देना वाई वाई एन, फिर दूसरे का लिख देना एन एन वाई, है ना। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो अगर किसी का विद इन मतलब पहले हो जाए तो।
क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एक आध का आंसर बताओ यार कोई। आंसर आया किसी पार्ट का? जिसके जितने जितने के भी आए एक बार लिख देना यार चैट में। एक बार चैट में लिख दो यार जिसका जिस जिसका भी आया है आंसर, जिस जिस पार्ट का, वो चैट में लिख दो उस फॉर्मेट में जिसमें बताया गया था। बोलो भैया, बोलो सब इतने सुनने से क्यों बैठे हैं जैसे सांप सुन गया हो। हाँ चलो, एक का आंसर आया। तो तुम कह रहे हो कि 10th रेडॉक्स रिएक्शन है पक्का? 10th? 10th है, सही बात है। और बाकियों के भी बताओ, बाकियों में क्या दिक्कत है? अपन को सारी डेफिनेशन याद हो ही गई है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता ही है, बाकियों में भी टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, एक का तो आंसर आया है। शाबाश सुमेध, तुमने 7 के निकाल दिए हैं अभी, मतलब तुमने चेक नहीं किए सही है कि नहीं। अभी वो जब मैं लिखूंगा तो मिला लेना उससे, है ना, बाकियों के भी निकाल दो। चलो भैया, आखिरी 1 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, फिर मैं सारे पार्ट्स के निकाल दूंगा। ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स याद होना चाहिए ना बाय हार्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने लिखने में, वैल्यू लिखने में अगर टाइम लगाओगे या गलत लिखोगे तो गलत आंसर आएगा। हाँ शाबाश आदित्य, सही बात है। चलो ठीक है भैया, काफी इंतजार हुआ है ना, अब मैं एक एक करके बताता हूँ, तुम लोग मैच कर लेना कोई सही है कि गलत है। देखो, एलिमेंट है ऑक्सीडेशन नंबर, 1 सेकेंड, हाँ एलिमेंट है ऑक्सीडेशन नंबर 0 सल्फर का, और यहां पर वो जा रहा है -2 में। हाँ वैष्णवी, अपन देखते हैं अब, है ना, सल्फर 0 से जा रहा है -2 में, तो चार्ज कम हो गया, रिडक्शन। और देख लेते हैं किसी का ऑक्सीडाइजेशन तो नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है, यहाँ पर भी +1 है, तो इनका तो कुछ नहीं हो रहा है ना। सल्फर एक और जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी सल्फर को चेक कर लो, यहाँ पर कितना आएगा -6, तीन ऑक्सीजन पे मिला के -6 चार्ज, और टोटल चार्ज होना चाहिए -2, तो दो सल्फर पे +4 है ना, मतलब एक सल्फर पे कितना होगा +2, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। तो अब यहाँ पर हम कंपेयर करें तो ये 0 से सल्फर यहाँ +2 में जा रहा है ना, मतलब ये चार्ज तो बढ़ गया, 0 से +2 वैल्यू बढ़ गई है, मतलब प्रोसेस क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है, ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है ना, और वही एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दो में ब्रेक हो रहा है, तो फिर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है ना, अगर वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो कम प्रोपोर्शनेशन नहीं होगी। तो पहले का तो ये आंसर है यस, नो और यस, है ना, वाई एन वाई, ठीक है। किसी में भी डाउट हो तो मेरे को रोक देना बीच में, है ना, जब तक तुम रोकोगे नहीं मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ तुम्हें समझ में आते जा रहा है। तो अगला है क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 है, तो क्लोरीन का आ जाएगा +1, है ना, क्योंकि टोटल चार्ज -1 रखना है अपन को, यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है ना, बाकी एटम्स का भी लिख लो, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो देख के समझ में आ रहा है चेंज नहीं हुए हैं, क्लोरीन जरूर चेंज हुआ है ना, तो क्लोरीन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर से एक बार तो चला गया +1 में, थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम पड़ रही है ना, तो तुम लोग ध्यान से लिख लेना, अगर लगे कि तुम्हारे में जगह कम पड़ रही है लिखने में तो दोबारा सोल्यूशन में रिएक्शन लिख लेना पूरी, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, ऑक्सीडेशन और साथ में ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कम भी हो रहा है ना, क्लोरीन जो है वो 0 से जा रहा है -1 में, तो ये प्रोसेस हो जाएगी क्या, रिडक्शन। तो अगेन रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन तो है, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी है, कम प्रोपोर्शनेशन नहीं है, ठीक है, सेम एज फर्स्ट। बाकी अगला अपन देखें कसीलो 3, पोटेशियम +1 ऑलवेज, यहाँ पर भी +1 ऑलवेज, क्लोरीन का तो चेंज हो सकता है, पी ब्लॉक का एटम है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, -2 होता है एक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का 3 का -6 +1 मतलब -5, तो बचा हुआ +5 आना चाहिए क्लोरीन पे, यहाँ पर +5, यहाँ पर क्लोरीन का -1 क्योंकि इसका +1 है, ऑक्सीजन का 0, तो ऑक्सीजन का देखो अब एक एक एटम को अपन पकड़ के कंपेयर कर लेते हैं, पोटेशियम का चेंज नहीं हो रहा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्लोरीन +5 से चला गया -1 में, ये क्या हो गया, चार्ज कम हो गया, रिडक्शन, और क्लोरीन पे ध्यान दे, सॉरी ऑक्सीजन पे ध्यान दे, -2 से 0 मतलब वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, -2 से 0 तो वैल्यू बढ़ गई है, ऑक्सीडेशन है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में, ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है नो डाउट, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एक एटम ब्रेक नहीं हो रहा है, दो अलग अलग एटम ब्रेक हो रहे हैं, है ना, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एटम ब्रेक होता है, when reducing agent and oxidizing agent both are same, ये compound जो अपन ने लिखा है ना इसको थोड़ा सा और edit करके लिख लो definition को, है ना, ये definition खोलो सभी लोग, इसको हम थोड़ा सा और सही लिख लेते हैं, इसमें अपन ने देखो क्या लिखा है, when reducing agent and oxidizing agent both are same compounds, ध्यान देना हमने ये लिखा था अभी तक कि दोनों जब same compound हो,
कंपाउंड में तो कंपाउंड तो हो गई, और अपन को इसमें स्पेसिफिकली ये लिखना चाहिए कि सेम एटम है ना, सेम एटम इन सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड का एक ही एटम जब दो ऑक्सीडेशन नंबर में जाता है तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर बस आप, मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है, यहाँ पे बस ये बीच में एक ऐसे तीर निकाल दो बीच में से, व्हेन रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ आर सेम एटम ऑफ सेम कंपाउंड, है ना, एक ही कंपाउंड का जब एक ही एटम इस तरह का बिहेवियर शो करता है ना। तो ये डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर लेना। अब वो लिखना जरूरी क्यों था, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंपाउंड तो सेम है लेकिन ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एटम अलग अलग हो गया, ठीक है, क्लोरीन एटम का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, है ना, कम प्रोपोर्शनेशन भी नहीं है, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया, आई होप थर्ड में कोई डाउट नहीं है किसी को, और सबने डेफिनेशन भी चेंज कर ली होगी जैसा मैंने बोला। फिर अपन बस ये 3-4 मिनट और क्लास करेंगे, है ना, क्योंकि तुम्हारा टाइम भी खत्म होने वाला है, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ सारे। देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ना, -3 से +5, तो इसका अपन को पता नहीं है। हाइड्रोजन का अपन को पता है कितना, +1 होता है जनरली। ऑक्सीजन का हमको पता है -2 होता है जनरली। अब ये देखो, इसके लिए अपन को यहाँ पर ये जानकारी होना चाहिए कि ये अमोनियम नाइट्राइट है ना, अमोनियम नाइट्राइट मतलब ये एक आयोनिक कंपाउंड है ना, ध्यान से देखना यहाँ पर, थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे जैसे ये होता है ना, क्या बोलते हैं, सल्फेट की जैसे अपन बात करें, कॉपर सल्फेट है ना, तो कॉपर सल्फेट में जो हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम सल्फेट से कैलकुलेट कर लेते हैं ना, हम इसको अलग कर लेते हैं, कॉपर आयन को अलग कर लो और आप सल्फेट आयन को अलग कर लो, ठीक है। तो क्योंकि कॉपर सल्फेट एक आयोनिक कंपाउंड है, तो इससे इसमें हम सल्फेट को एक अलग यूनिट मान लेते हैं, और इस यूनिट में फिर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर ध्यान देना, सेम बात यहां पर कर रहे हैं हम, क्या कि जो, हाँ बिल्कुल सही कहा देते हैं तुमने, कि ये जो है ये अमोनियम नाइट्राइट है, तो ये ऐसे स्प्लिट होगा, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा NH4+ और NO2-, है ना, तो ये नाइट्राइट आयन कहते हैं इसे, ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना, दोबारा। और ये इसको हम अमोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि अमोनियम आयन जो है, मतलब ये जो पहला वाला नाइट्रोजन है ये एक अमोनियम आयन का पार्ट है ना। तो देखो इसकी हेल्प से अब ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। हाइड्रोजन का +1 होता है, अपन को पता है जनरली, तो 4 हाइड्रोजन का +4 और टोटल चार्ज अपन को कितना रखना है, +1, तो एक नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए चार्ज, -3, है ना। तो यहां पर इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -3, ठीक है। सिमिलरली इस वाले नाइट्रोजन का जो दूसरा नाइट्रोजन है वो हम नाइट्राइट में से निकालेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पता है हमको -2 होता है जनरली, तो 2 ऑक्सीजन का -4 और टोटल चार्ज -1 रखना है हमें, तो इस नाइट्रोजन का +3 आ जाएगा, ये आ गया +3। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, तो इसमें कोई डाउट अगर नहीं है, है ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है। कई कई जगह जब अपन ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाते, है ना, जब एक ही एटम जो है वो बार बार आ रहा है एक कंपाउंड में, है ना, तो अब उसका अलग अलग ऑक्सीडेशन, अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन का यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3 है ना। अगर एक ही नाइट्रोजन होता तो हम कैलकुलेट करके निकाल देते, हाइड्रोजन का हमें पता होता, ऑक्सीजन का पता होता, उससे हम नाइट्रोजन का निकाल देते, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ रही, ये हो गई कि 2 नाइट्रोजन एटम हो गए, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर हम
इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। बस नाइट्रोजन का यहाँ पे है जीरो, हाइड्रोजन का प्लस वन, जनरली ऑक्सीजन का माइनस टू। अब देख लो किस किस में वेरिएशन आ रहा है। तो देखो नाइट्रोजन जो है वो ये वाला नाइट्रोजन जा रहा है माइनस थ्री से, माइनस थ्री से ये जा रहा है जीरो में, और ये वाला नाइट्रोजन जा रहा है प्लस थ्री से जीरो में। ठीक है, तो जो ये माइनस थ्री से जीरो में जा रहा है, माइनस थ्री से जीरो मतलब चार्ज बढ़ गया, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। और प्लस थ्री से जीरो, एक सेकेंड रुको, माइनस थ्री से जीरो ये प्रोसेस हो जाएगी ऑक्सीडेशन, और प्लस थ्री से जीरो चार्ज कम हो गया, ये प्रोसेस हो जाएगी रिडक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं हो रहा, तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, दो ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइन हो रहे हैं, तो ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये चार अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, है ना, इसको आप टेबल में नोट कर लेना। और अब जो बाकी जितने क्वेश्चंस हैं, है ना, ये जो बाकी 11 तक जो रिएक्शंस दिए हैं, इन सबको अब तुम लोग खुद करना। ठीक है, इन सबको खुद कर लेना, ये होमवर्क में है, और इनको फिर अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा स्पेस बना के लिख लेना रिएक्शन में, है ना, नहीं तो ये इतने सारे एरोज हो जाएंगे तुम्हारी कॉपी में कि कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा एरो कहाँ से निकल के किस में जा रहा है। ठीक है, बाकी इसका जो होमवर्क है वो मैं मैसेज कर दूंगा, और अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, तो बाय टिल देन।